ग्वालियर में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है जिसमें कंपनी ने 5 साल पुराने एरियर को चालू बिलों के राशि के साथ जोड़कर भेज दिया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि अगर राशि नहीं हटाई गई तो इस पर आपराधिक मामला दर्ज करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 5 साल पुराने एरियर को चालू बिलों के साथ जोड़ने का विरोध जताया है। व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था का कहना है कि लॉकडाउन के कारण छोटे मध्यम उद्योग और व्यापारी पहले से ही परेशान हैं। ऊपर से 5 साल पुराने एरियर की राशि चालू बिलों में जोड़ने से उनकी एक तरह से कमर ही टूट जाएगी। व्यापारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की नियमावली में भी इसे नियमों के विपरीत बताया गया है। हालांकि विद्युत मंडल के अधिकारियों ने एरियर की राशि चालू बिलों में नहीं जोड़े जाने का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लॉकडाउन की अवधि में जब सारे व्यापारिक गतिविधियां थमी हुई हैं, उद्योगों की मशीनें रुकी हुई हैं, व्यापारी और उद्योगपतियों को अपने खाने की चिंता है, अपने जीवन यापन की चिंता है और उनके साथ जुड़े हुए हजारों लोगों के घर में चूल्हा जलता रहे इसकी चिंता है। ऐसे समय में असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए लगभग 5 वर्ष पुरानी एक एरियर के रूप में राशि लगा दी है, जबकि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.33 के मुताबिक ये नियमित बिल के अंदर केवल ऊर्जा प्रभार और नियमित राशि ही जोड़ी जा सकती है। कोई भी विजिलेंस या ऑडिट की रिकवरी के लिए इस बिल में नहीं जोड़ी जा सकती है। इसके लिए उन्हें पृथक से बिल जारी करना होगा और 15 दिन का समय देना होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।